वेलकम बैक टू गपशप जी अरीज। सर खाने पीने का शौक रखते हैं या डाइट फूड खाते हैं? नहीं, मैंने कभी जिंदगी में डाइट नहीं की। मैं हर तरह की चीज खाता हूँ। लाइक मुझे देसी खाना पसंद है, मुझे इटालियन पसंद है, और कुरा ऑब्वियसली रखता हूँ शौक। मैं साउथ पंजाब से हूँ, तकरीबन साउथ पंजाब के लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं। लेकिन अजब जितने आप प्यारे हैं, मुझे एक मशवरा दें कि मैं, मेरे भाई भी हैं छोटे भाइयों की तरह, लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? क्योंकि आपने भी करनी है अभी, मैंने भी करनी है, फिजा जी की भी नहीं हुई अभी। सर अगेन डिपेंड करता है कि हालात क्या हैं। लेकिन हालात थोड़े अच्छे हैं सर, मैं वैसे इस सोच का इंसान हूँ कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए, कि मेरी एक सिंगल मदर है और उन्होंने मुझे रेज किया है, तो ये हक उनका है। ऑब्वियसली कंसेंट मेरा बहुत जरूरी है। सवाल मैं तुम कैमरे तो बाहर पूछ लू लेकिन उसकी प्योरिटी जो है वो फेड होती जा रही है। उसकी जो प्योरिटी थी ना वो फेड होती जा रही है, आई थिंक दैट। अच्छा, आपको भी लगता है कि अभी फेड होना शुरू हो गई है और आपको लगता है कि हो चुकी हुई है? हाँ, आप दोनों के ख्यालात बड़े मिल रहे हैं आपस में। हाँ ठीक है, तो अगर लव हो गया, हो जाता ना, जैसे नहीं, मुझे कह रही है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, हो कहां से गया? सर हो भी जाता ना, जो तुम बंदे कपड़े मिल सकते थे, ज़ेन नहीं मिल सकता। रेड शर्ट थे, रेड बात नहीं। अच्छा, अगर हो जाता है कभी जिंदगी में तो कैसा शख्स होना चाहिए? वैसे आइडियल भी तो होता है ना, कि कोई हीरो या हीरो जैसा बंदा उनका आइडियल होता है, तो आपकी जिंदगी का हीरो कौन होगा, कैसा होगा? मुझे जो चेहरा है, शक्ल है, वो मैटर नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी लाइफ में पार्टनर आना चाहिए उसको रिस्पेक्ट करना, उसको आना चाहिए, हाउ टू टॉक विद अ गर्ल, अ वुमन, और उसका ब्रॉटअप, उसकी मदर, उसकी फैमिली ने किस तरह से किया हुआ। लाइक अगर उसको किसी लड़की को या किसी बच्ची को या किसी औरत को, किसी मर्द को इज्जत देना ही नहीं आता है, बात ही नहीं करना आता है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजार सकती हूँ। ठीक है, और शक्ल से जैसा मर्जी हो। बस ठीक है, इधरों तो मैं इजी हूँ थोड़ा सा। जी आवाम का सवाल लेंगे हम। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपकी पार्टी में इलेक्शन हो वज़ीर आज़म के लिए, तो आप किसे वोट करेंगे, इसहाक डार साहब को, नवाज शरीफ साहब को, या छोटे भाई? ठीक है कि वज़ीर आज़म के इलेक्शन इनकी पार्टी में नहीं हो सकते, वज़ीर आज़म के लिए नॉमिनी कौन हो, ये एक आपका सवाल हो सकता है। तो उन्होंने आपको तीन ऑप्शन दी हैं, तो वो जो नॉमिनीज आपने मुझे बताए हैं, ये मेरे ख्याल से इन द रिस्पेक्ट ऑफ द चीफ, जो कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, वो दोनों नॉमिनीज विड्रॉ कर जाएंगे अगर ऐसी कभी सूरत हाल बनी। मेरे हिसाब से तो पॉलिटिक्स है भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नाम की शुरू हुई, तो उनका हक भी बनता है, उनकी स्ट्रगल भी है। ऐसा नहीं है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की नहीं स्ट्रगल, उन्होंने जो पंजाब को जो ग्रूम किया है और ग्रो किया है पंजाब ने, उनकी वजह से, तो आई थिंक उन दोनों का ही हक बनता है कि वो होगा ना, तो एक का चाहिए। जी सर, ऑब्वियसली मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब। जी, he is the chief of the party. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि जिस पाकिस्तान का ख्वाब हर पाँच साल बाद आवाम को दिखाया जाता है, आखिर वो पाकिस्तान कब मिलेगा आवाम को? दो तीन दिन का टाइम है। ख्वाब होते ही इसलिए है कि उनको आप देखें और उसके बाद आप जाग जाएं। पाकिस्तान कब बनेगा वो वाला? जी वो पाकिस्तान बनाने की कोशिश जारी है, ऑब्वियसली उसको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हालात बीच में इस तरह के पैदा हो गए थे जिनकी वजह से हर चीज़ को जो है ना स्टेप बैक करना पड़ा। इकोनॉमिकल स्ट्रेटजीज भी हमारी गिरी, हम फाइनेंशियली तौर पे भी इतने वीक हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाला दौर एक बेहतर दौर होगा, आई थिंक दैट। और इंशाल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं, वी आर वर्किंग ऑन दैट, हम चीफ मिनिस्टर के सिपाही बन के, पीएम के सिपाही बन के हम एक काम कर रहे हैं इस तरह की, और जो चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव्स ले रही हैं और प्राइम मिनिस्टर ले रहा है इनिशिएटिव्स, आई थिंक सो पाकिस्तान विल ग्रो बेटर दैट वे। फिजा, आपको भी कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट? आप वोट कास्ट करती हैं? जी मैंने इस बार किया था। इस बार आपने किया था जी। और जिनको किया था वो जीत गए? नहीं। अच्छा, वो नहीं जीते, मुबारक है मुखालिफ निकले ने भाई। क्या बात है, देखो इंसान को स्पॉटलाइट में रखो तो। अच्छा, तो आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, वोट किया तक है, वैसे भी यू फॉलो? नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुल्क सही चल रहा है ना? बिल्कुल, कोई मसला मसाइल तो नहीं है? ठीक है, बस सब सही है। ठीक है ना, बस सब सही चल रहा है। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, तो फिर हम नहीं बोल सकते हैं, मुझे मेरा अपना ओपिनियन। आपको लगता है कि जैसी आवाम है वैसे हुक्मरान है? ठीक है, तो यानी कि कोई मसला नहीं है उनको? कोई बिल भी सही आया आपको? बिजली का बिल आपका सही आया? पता नहीं कितना आया। अबू ने दिया?
जी अबू से पूछ भी लेना था कि अबू आपको बिल कितना आया वैसे पूछूंगी उनके एक्सप्रेशन से क्या लग रहा था आपको मुझे नहीं पता बिल कब आया है लेकिन मैं घर जाके आज जरूर पूछूंगी नहीं अबू ने कभी आके क्या बेटा एसी जरा थोड़ा चलाया करो कभी वो बेचारे नहीं कहते मगर वैसे आपको अपने अबू से जरूर पूछना चाहिए मैं पूछूंगी कि वो जो अबू बेचारे रात को एक दिन नहीं सोए होंगे या फिर जरा सोने में मसला हो रहा होगा या एक दिन उन्होंने कहा होगा कि आज मेरा खाना खाने का दिल नहीं है तुम लोग खाओ या फिर वो खामोश बैठे हुए होंगे टीवी अच्छा, के सामने दो दिन पहले ऐसा हुआ है कि अब्बू की तबीयत बस फिर उसी दिन बेल दिया उन्होंने बेल लिया